Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain question number 1 of exercise 2.5 and the question is solve the following linear equations. First hai, x by 2 minus 1 by 5 equals to x upon 3 plus 1 by 4. Again equation hume given hai, isko hum solve karenge aur variable ki value find karenge. Okay, to karte hai start. Sabse pehle hum kya karte hai, variables ko एक तरफ सेपरेट करते हैं और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ. ओके, तो यहां पर वेरिएबल x अपॉन 3 है, इसको हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और 1 बाय 5 को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड. ओके, तो करते हैं x बाय 2 माइनस x बाय 3, यहां पर प्लस है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस. ओके, एंड इक्वल्स टू 1 बाय 4, यहां पर 1 बाय 5 माइनस है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो प्लस 1 बाय 5. ओके, एंड नाउ हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 6. ओके, 2 3 जा 6, तो क्या बनेगा 3x माइनस 3 2 जा 6, सो 2x इक्वल्स टू, इधर एलसीएम क्या आएगा 20, 4 5 जा 20, तो 5 आ जाएगा, एंड प्लस 5 4 जा 20, तो 4 आ जाएगा. ओके, यहां से हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 2x इज x अपॉन 6 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इज 9 अपॉन 20. ओके, एंड नाउ इस 6 को करेंगे इधर ट्रांसपोज, तो यहां ये डिवाइड में है, इधर जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो कैसा हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो x इक्वल्स टू 9 अपॉन 20 इंटू 6. ओके, और अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा एंड 2 10 जा, एंड आंसर इज 27 अपॉन 10. ओके, तो लिखेंगे x इक्वल्स टू 27 बाय 10. ओके, सो फाइनली वेरिएबल x इज 27 अपॉन 10. आई होप कैसे सॉल्व किया इक्वेशन को ये आपको समझ आया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. n by 2 minus 3 n by 4 plus 5 n by 6 equals to 21. करेंगे इसको सॉल्व. वेरिएबल्स हमारे एक ही तरफ है, मींस लेफ्ट हैंड साइड पर ही सभी वेरिएबल्स हैं. ओके, तो क्या करेंगे, देखिए यहां से लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12. ओके, एंड 2 6 जा 12, तो 6 n आएगा यहां पर, माइनस 4 3 जा 12, एंड 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 n से, तो क्या बनेगा 3 3 जा 9 n प्लस 6 2 जा 12, और 2 की मल्टीप्लाई होगी 5 n के साथ, तो कितना बन जाएगा 10 n इक्वल्स टू 21. करेक्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना n आएगा यहां से, 7 n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21. ओके, एंड 12 को करेंगे ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा 7 n इक्वल्स टू 21 इनटू 12. ओके, एंड नाउ 7 को करेंगे इधर ट्रांसपोज, n इक्वल्स टू 21 इनटू 12 बाय 7, एंड 7 से 21 हमारा कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, सो 12 इनटू 3 equals to 36. तो वेरिएबल की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 36. ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा. नाउ नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. x plus 7 minus 8x by 3 equals to 17 by 6 minus 5x by 2. अब अगेन हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट्स को सेपरेट करेंगे. तो देखिए 5x by 2 इसको हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड 7 को लेके जाएंगे हम राइट हैंड साइड. ओके, तो करते हैं x minus 8x by 3 एंड इसको लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 5x by 2 equals to 17 upon 6, और यहां पर 7 प्लस का है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस 7. ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा हमारा 6. ठीक है, तो करेंगे इसको 6x
माइनस 3 टू जा 6, 2 की मल्टीप्लाई होगी 8 के साथ, तो कितना बन जाएगा 16x प्लस 2, 3 जा 6 एंड 3 इंटू 5 इज 15x इक्वल्स टू, यहां से एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 6, 17 माइनस 42। ओके, अब देखिए यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से बना हमारा माइनस एक्स एंड प्लस 6x, तो क्या मिला हमें 5x बाय 6 इक्वल्स टू माइनस 25 बाय 6। ओके, नाउ क्या करेंगे, इस नंबर को मीन्स 5 बाय 6 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, x इक्वल्स टू माइनस 25 बाय 6 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 6 बाय 5 एंड 6 से 6 कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल 5 टाइम, तो क्या आया माइनस 5। फाइनली x इक्वल्स टू माइनस 5। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।